आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। सबसे पहले देश आपके साथ, मैं रचना बंसल। शुरुआत बड़ी खबर के साथ, और जो बड़ी खबर है वो जम्मू कश्मीर से इस वक्त मिल रही है। जम्मू कश्मीर जहां पर सुरक्षा बलों को मिली है बड़ी कामयाबी। सांबा में एक घुसपैठियों को ढेर कर दिया गया है जो कि सीमा पार करने की कोशिश कर रहा था, उसे वहीं ढेर कर दिया गया। BSF ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को ढेर किया है, ये बड़ी कामयाबी। बॉर्डर पर घुसपैठ करते हुए घुसपैठिया ढेर हुआ है, साथ ही साथ इसे ढेर करने के बाद इसके पास से जो भी मिला हुआ सामान है उसके आधार पर पहचान की जा रही है कि आखिर कितने हथियारों के साथ ये पहुंच रहा था, या फिर कहीं इसके साथ में इसके और कोई साथी तो नहीं थे। इन सभी बातों का पता लगाया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन दिनों बहुत आतंकियों और घुसपैठियों के पास से मिल रही है, उस बारे में भी पता लगाया जा रहा है। BSF की टीम ने की है ये बड़ी सफलता हासिल। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को ये कामयाबी हाथ लगी है, क्योंकि 15 अगस्त भी नज़दीक है और अनुच्छेद 370 हटाने की जो वर्षगांठ है वो भी नज़दीक है। बॉर्डर पर घुसपैठ करते हुए इन घुसपैठियों को पकड़ा गया है, क्योंकि लगातार इंटेलिजेंस ब्यूरो के जरिए जानकारी मिल रही है कि आतंकियों की कोशिश है लोगों के बीच में दहशत पैदा करने की, और इसीलिए एक के बाद एक ये जो कोशिशें हैं वो पिछले कुछ दिन में ज़्यादा हुई हैं, यानी कि आतंकी ग्रुप जो हैं अलग अलग जगहों पर वो एक्टिव पहले से ज़्यादा हुए हैं। जम्मू कश्मीर में आतंक पर प्रचंड प्रहार जारी है, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। जानकारी ऐसी कि राजौरी और पुंछ में सेना ने ये ऑपरेशन और ज़्यादा तेज कर दिया है। आतंक की सफाई के लिए सेना का ये सर्च ऑपरेशन जारी है। अभी तक की जानकारी ये कहती है कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में करीब करीब 90 ऐसे आतंकी हैं जो लोगों में दहशत पैदा करने के इरादे से, अलग अलग गतिविधियों को अंजाम देने के इरादे से यहाँ मौजूद हैं, मुस्तैद हैं। और अपने साथ में कैसे युवाओं को जोड़ना है, कैसे उनका ब्रेन वॉश करना है, या फिर कैसे लोकल सपोर्ट हासिल करना है, इन सब में माहिर ये आतंकी हैं। फुल ट्रेंड हैं राजौरी और पुंछ के इन एरियाज में जहां पर आतंकियों के छिपे होने की खबर है, वहां पर सेना ने कर दिया है सर्च ऑपरेशन तेज, यानी कि सर्च ऑपरेशन के जरिए आतंकियों तक पहुंचने की कोशिश सेना के जवानों की।